कैसा लगा बाबा का केला? ठीक है था बाबा। बाबा क्या है बाबा? बोलो ना क्या है? कुछ कीजिए ना बाबा। कुछ कीजिए? हाँ। अरे तुम्हारे साथ हम क्या करें? तू भी मर्द है, हम भी मर्द है, तुम्हारे साथ क्या करें? तुम लड़की रहता था ना, तुम्हारे साथ कुछ करते। वो नहीं कह रहे हैं बाबा, आप तो दिमाग लगा देते कहीं से कहीं। तो बाबा और क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, क्या कर सकता है? कहने का मतलब ये है हाँ? कि कुछ नहीं कीजिएगा हाँ? कुछ नहीं गोहराइएगा तो कोई आएगा नहीं। हो तो आमदनी सब कहाँ से होगा? अच्छा, यानी बोल रहे ध्यान लगाने के लिए। हाँ, वो वाला ध्यान ध्यान लगाएंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, तब जाके कारनी सब आएगा। हाँ तो वही जल्दी कीजिए। ठीक है भूख भी लग गया है बाबा। भूख लगा हुआ तो बसिया भात खा के नहीं आया है? आए? बसिया भात क्या खाएंगे, बसिया भात खाते तो लेट हो जाता है, इसीलिए हम आ गए हैं छोड़ छाड़ करके। अच्छा, आज बसिया चावल नहीं खाया है? नहीं खाए हैं, कल तो खाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हमको भोग लगाने दो, उसके बाद तुमको भी भोग लगा देंगे। हम कारनी को भोग लगाएंगे, तुम फल फूल का भोग लगाना। ये उल्टा नहीं होगा क्या? आप करनी का भोग लगाइएगा, हम फल फूल का भोग लगाएंगे। तो क्या हो गया, तुम पतले दुबले हो गए हो, इसलिए थोड़ा तुम मोटा हो जाओ। बहुत बेईमानी करते आप मेरे साथ। जय गुरुदेव। जय। देखो ध्यान लगाते हैं, जरूर कोई ना कोई कारनी जरूर आएगा। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय बिचे नमः। बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, बैठ जाओ। चेला चुलबुली। चुलबुली नहीं, बुलबुली। बुलबुली हाँ। कितना सुंदर कारनी आई है, देख रहा है? आई तो देर से, लेकिन आई है। सुंदर। कहते हैं ना सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ बाबा। ऊपर वाले जब भी देते हैं तो छपर फाड़ के देते हैं। हाँ। आज अभी लेते हैं तो गर फाड़ के लेते हैं। बहुत हो रहा है बच्चा। हाँ बाबा। बोलो क्या कष्ट है, क्या समस्या है बच्चा, फटाफट समस्या बताइए। हाँ। बाबा बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन समझिए तो ये बहुत बड़ा बीमारी है मेरे जिंदगी के लिए। जिंदगी के लिए तब ना। कौन सा बीमारी है, कैसा बीमारी है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, बाबा को बताइए। बात दरअसल ऐसा है ना बाबा, कि हम शादी होके आए थे तो बिल्कुल पतले दुबले थे। अच्छा। तो सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ हाँ। इधर आके ना 6 महीना से हम मोटे होते जा रहे हैं, समझे? हाँ। और जैसे जैसे मोटे होते जा रहे हैं ना, मेरे पति का नजर मेरे पर से उतरते जा रहा है। ओहो। समझ गए। तुम्हारे पति को ठकुआ खाने का मन करता होगा और तुम मलपुआ होते जा रही हो। पता नहीं, अब वही जानेंगे। तो गए डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर दवाई उवाई दिया, लेकिन दवाइयों 2-3 महीना खा रहे हैं, 2-3 महीना से कोई असरे नहीं कर रहा है। तो एक आदमी बोला है कि वहाँ एक ठो बाबा बैठते हैं, जो देखते हैं वो कर देंगे ठीक। बाबा हमको पतला होना है। अच्छा, एकदम पतली दुबली होना है तुमको। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ नहीं, बाबा के पास आ गई हो तो तुमको ऐसे पतली दुबली बना देगा, ऐसे पतली दुबली बना देगा कि लकड़ी की तरह हो जाएगा, लकड़ी की तरह। इतना पतला कमर हो जाएगा, इतनी इतनी सी बाहें होगा, इतनी सी मुंह होगा, इतना इतना छोटा छोटा सब चीज छोटा हो जाएगा। पतला हो जाएगा बाबा, एकदम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि हमारे बाबा का रामबाण है। बहुत परेशान है बाबा, समझे? जब से मोटाने लगे हैं तब से मेरा पति चिड़चिड़ाते रहता है। हाँ। कुछ भी बोलते हैं तो। हाँ होता है, किसी को पतली दुबली लड़की अच्छा लगता है, तो किसी को मोटी तगड़ी अच्छा लगता है, तो किसी को लंबी अच्छा लगता है, तो किसी को नाटी अच्छा लगता है। सबका अपना अपना च्वाइस होता है, और बाबा को तो सब चलता है। हमारा बाबा ऐसा डोज देगा कि आप जो है सो इतना पतली हो जाइएगा कि आपका पति बहुत ज्यादा प्यार करने लगेगा। बाबा ऐसा ही कुछ कीजिए। देंगे जरूर करेंगे, तुम घबराओ नहीं। देखो बच्चा, तुम अगर पतला दुबला होना चाहती हो तो तुमको बाबा वाला केला लेना पड़ेगा। केला? हाँ। केला ऐसे डॉक्टर मना किए हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप दीजिएगा तो हम ले लेंगे। ये केला ऐसा है ना, सुनिए ना बाबा, ऐसे खोल के बताइए ना, समझाओ ना तुम उसको। केला ऐसा है जो खाने से कभी कष्ट नहीं होगा, कभी सर्दी नहीं होगा, कभी खांसी नहीं होगा। हाँ। रोज आप खाइएगा, बस ज्यादा दिन नहीं खाना है, 4-5 रोज खाइएगा, उसी में आपका धीरे धीरे शरीर
पतला हो जाएगा, ऐसे कहिए ना बाबा। ये दूसरा केला है, वो केला नहीं है जो पेड़ में फरता है। हाँ तो दीजिए ना बाबा। अरे यहाँ पे कैसे दे दे, यहाँ पे कैसे दे दे, इसके लिए तुमको मेरे साथ झाड़ी में चलना पड़ेगा, कुटिया में। झाड़ी में रखे हुए हैं? हाँ हाँ, वही वही केला का बगान है। बाबा चलिए ना, किसी तरह हम पतला दुबला हो जाए पहले के तरह। एकदम हो जाएगी, जैसे मेरा केला तुम खाएगी, केला यूज करेगी, ऑटोमेटिक है जो तुम पतली दुबली होती जाएगी। हाँ, क्या केला? हाँ, हाँ, हाँ बाबा सही बात है। तैयार हो? हाँ बाबा। चेला? हाँ बाबा। तुम इसको पकड़ो। ठीक है बाबा, हम आ रहे हैं इसको केला देकर के। जाइए। ठीक है। हाँ हाँ, सुनिए ना। हाँ चेला, पकल का केला खिलाइएगा। मेरे पास जो केला होगा वही केला ना खिलाएंगे, चाहे पकड़ा पका हुआ हो, चाहे कच्चा हुआ हो, चाहे खिजा हो। पकल का केला खिलाइएगा तो फिर आएगा ना। वो नहीं, पकल का खिला के खिलाएंगे तो टूट जाएगा, फिर आधा मुंह में रहेगा आधा बाहर हो जाएगा, इसलिए जो है टाइट वाला केला देंगे ताकि पूरा एकदम खा जाए। क्या ओ, सही कर रहे बाबा। चलो चलो बच्चा चलो बाबा। कैसा लगा बाबा का केला? ठीक है था बाबा। लोग सब जो है गलत सोचता है कि बाबा केला के साथ कहीं कुछ दूसरा चीज दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा देर के लिए हम भी गलते सोच लिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बाबा का अपना केला था, पर्सनल केला, जो बहुत दूर से लाते हैं तोड़ करके। वही केला तुमको दिए हैं। हाँ बाबा, किसी तरह ठीक हो जाए बस। ठीक की तुम धीरे धीरे जो है ना, अब से पतली दुबली होती जा रही है। हाँ हाँ, घर पे जाते जाते एकदम ऐसे ऐसे हो जाएगी पतली दुबली। बहुत मेहरबानी होगा बाबा आपका। चल ठीक, चलो बाबा का केला मिल गया, अब चलो। ना टाइम लगा रहा है बाबा, जो अभी तक नहीं आया है। ऐसा ना हो कि केला खिलाने के चक्कर में बाबा का केला ही टूट जाए, वो भी हम पे ही भारी पड़ेगा, जो हम ही को। बाबा बहुत टाइम लगा दिए आप, क्या कहे। केला निकाले फिर इसको छीले तब ना खिलाएंगे, छिलका सुधे थोड़ी खिला सकते हैं। हम जाते तो तुरंत हो जाता, तुरंत खिला के तुरंत आ जाते, आप जाने नहीं दिए। तुमसे नहीं होगा। जय गुरुदेव। बच्चा ये लो अच्छत, ठीक है। ये लो फूल, इसको तुम खा लेना, बाकी पूरा काम तो केला ही कर देगा। केला जो खाई है ना, वही पूरा काम कर देगा, पूरे एकदम पतली दुबली कर देगा, लेकिन ये जो है ना शरीर को बांध के रखेगा, थोड़ा सा दिक्कत भी होगा। खाएंगे बाबा इसको? एक सप्ताह का ना, थोड़ा थोड़ा, एक सप्ताह, एक सप्ताह। हाँ हाँ ठीक, थोड़ा थोड़ा करके एक सप्ताह खाना। कितना जल्दी हम दुबले पतले हो जाएंगे? एकदम एक महीना के भीतर भीतर एकदम पतली दुबली हो जाएगी। हाँ तो अगले हफ्ते को फिर आना पड़ेगा एक बार। हाँ फिर आना होगा, एक बार और आना। ठीक है ठीक, उसका पतली दुबली हो जाएगी तो बाबा को नहीं बिसरना ना। बाबा कैसे बिसरेंगे बताइए। बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आना। ठीक है बाबा। हाँ आते जाते रहना। ठीक है, जाओ जाओ बाबा। हाँ चेला, इसलिए बोल दिए अगले हफ्ते आने के लिए। हाँ उस दिन हमारे वाला केला खिलाइएगा बाबा। कहीं के तुम्हारा केला अभी छोटा है, खिज्जा है, कच्चा है। अब बाबा क्या करेंगे, अब खिला देंगे? वैसे नहीं होगा, तुम्हारा केला नहीं खाएगा वो मेरा ही केला खाएगा।